वेलकम अगेन टू माई चैनल। आज कोई DIY रेमेडी नहीं बताने वाली हूँ, आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है ये डर्माकोका पेलिंग सॉल्यूशन, और इसके बारे में मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करते हो, ये वीक में सिर्फ एक बार आपको यूज़ करना था, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको ना ही कोई कभी स्क्रब करना है पूरा वीक तक, ना कोई स्क्रब करना, ना कोई फेस पैक लगाना, ना ही कोई फेशियल करना है आपका। मतलब ये अपने आप में इनफ है, आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको यूज़ करना होगा। और ये क्या करता है कि आपकी स्किन से डेड स्किन को हटा देता है, डेड स्किन की जो लेयर होती है उसको बिल्कुल रिमूव कर देता है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन पर दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, फाइन लाइंस, और ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और एक्स्ट्रा ऑयल, सीबम, और जो पॉल्यूशन की वजह से जो भी मतलब स्किन पर डैमेज होता है, टैनिंग होती है, वो चीज़ ये रिमूव कर देता है। और ये जो है पीलिंग सॉल्यूशन, फेस पीलिंग सॉल्यूशन, ये फ्रूट से बनाया जाता है, और आपकी स्किन को ये पील करता है, आपकी स्किन से डेड स्किन को ये पील कर देता है, और न्यू स्किन, आपकी ग्लोई सी स्किन आपको प्रोवाइड करा देता है। नॉर्मली मैं बोलती हूँ आपसे, जब मैं DIY रेमेडी भी यूज़ मतलब आपको बताती हूँ, उस टाइम भी बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ यूज़ करें तो उस वक्त आप एक पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो इसके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आपको ये सूट करेगा या नहीं करेगा, एक पैच टेस्ट करें। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसका मैं खुद से ही बता देती हूँ, मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव मेरी स्किन है, ओवर सेंसिटिव है, और ड्राई सेंसिटिव स्किन मेरी है, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया, इसका कोई साइड इफेक्ट मेरी स्किन पर नहीं आया, और मैंने क्या रिजल्ट देखा इसको यूज़ करने के बाद। इसको मैंने 10 मिनट लगाया, पूरा 10 मिनट लगाया, और मैंने मुझे मतलब क्या रिजल्ट इसका मिला और कैसे मैंने इसको यूज़ किया सब कुछ बताऊंगी आपको। तो पहले बता देते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये 30 ml का आता है, और ये आया था 599 rupees इस पर लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डिस्काउंट होने के बाद 535 का ये मुझे रिसीव हुआ है, और nykaa.com से मैंने ऑनलाइन ये परचेज किया है। डर्माको कंपनी का है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मार्च 21 में पैकेजिंग है इसकी, और मार्च 23 तक ही इसकी मतलब शेल्फ लाइफ है, 2 years। और इस पर क्या क्या चीज़ें सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप जब भी यूज़ करोगे इसको कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें बताऊँगी। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो ना तो हर तरह के फेशियल से बचाते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जिनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि सलोन जाके वो बार बार फेशियल कराएं, वीकली फेशियल कराएं, या 15 दिन में भी फेशियल कराएं, तो बहुत लोगों के पास टाइम नहीं। तो ये एक बेस्ट चीज़ है। ये है 30 ml का पैक है, और 30% AHA प्लस 2% BHA फेस पीलिंग सॉल्यूशन है, फॉर 10 मिनट वीकली एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएट कर देता है स्किन को प्रॉपर तरीके से, और इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, 10% लैक्टिक एसिड, 10% मैंडेलिक एसिड, और 2% सैलिसिलिक एसिड है। और इस पर जो भी चीज़ें हैं ना सब इन्होंने बताया हुआ है लिखकर, डीप एक्सफोलिएशन आपकी स्किन पर करता है, pH 3.6 है इसका। तो मैं ये आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह के बॉक्स में आया था, और ये ऐसी बोतल है, और ये कांच की बोतल है, इसके ऊपर पूरा ये कैप लगी हुई थी, ये देखिए ये इस तरह से बोतल अलग थी, और जो ये ड्रॉपर है ये अलग। तो मैंने खुद ये कैप निकाल कर इस पर ड्रॉपर सेट किया है, क्योंकि मुझे जब ये यूज़ करना था, तो अभी मैं इसको जब भी यूज़ करोगे आप ऐसे शेक करोगे, और इसको मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए ये इस कलर में होता है, रेडिश होता है ये, काफ़ी अमाउंट में है ये पीलिंग सॉल्यूशन, यहाँ तक ऊपर तक ये बोतल भरी हुई है, और बहुत टाइम तक आपका ये चल जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट देता है। लेकिन इसको यूज़ करने के थोड़े से प्रिकॉशंस है, पहले इसको यूज़ कैसे करना है तो मैं एक वीडियो आगे लगा रही हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा उसको, इसको यूज़ करने का तरीका, तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ अपने फेस को पूरी तरह से क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद जब आप फेस को धो लोगे उसके बाद पूरी तरह से आपको अपने फेस को सुखाना है, मतलब एक ड्रॉप भी वाटर, एक ड्रॉप भी पानी आपके फेस पर, आपकी स्किन पर नहीं होना चाहिए, कोई नमी स्किन पर नहीं होनी चाहिए। इसको यूज़ करते वक्त पूरी तरह से फेस, आपकी फेस स्किन पूरी तरह से ड्राई हो जाए, उसके बाद आपको ये अपने फेस पर अप्लाई करना है 10 मिनट के लिए। अपने लिप्स पर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, अपने आईज़ के चारों तरफ बिल्कुल भी नहीं लगाना, 10 मिनट के लिए अपने पूरे फेस पर लगाना है। और लगाने के बाद इसको क्या कहते हैं, जब आप इसको लगा लोगे ना तो सेंसेशन होता है एक,
जैसे आप ब्लीच करते हो, ब्लीच करते वक्त आपको थोड़ा सा ऐसा मतलब लगता है इचिंग सी होती है, लेकिन इसमें ब्लीच जैसे ही इचिंग होती है, लेकिन अगर आपको ओवर हो रहा है ना, आपको हल्की फुल्की हो रही है इतना कि आप बर्दाश्त कर सको, तब तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग इससे होने लगे तो फिर आप इसको अवॉइड करें। आपको पहले पैच टेस्ट ज़रूर करना इसको यूज़ करने से पहले। और मैंने इसको यूज़ कर लिया था ऐसे ही, पैच टेस्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं हुआ। तो जब 10 मिनट के बाद आप अपने फेस को वॉश करोगे तो आपको वार्म वाटर से यानी गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश करना है, क्लीन करना है। कोई भी माइल्ड फेस वॉश फिर से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी माइल्ड फेस वॉश होना चाहिए, वो आप उसके बाद भी यूज़ कर सकते हो जब आप इसको रिमूव करोगे, या वार्म वाटर से आप ऐसे भी इसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना, स्किन पर ज़रा भी ना रहे, ठीक है। तो जब आप इसको रिमूव कर दोगे उसके बाद आपको अपनी स्किन को हैवी मॉइस्चराइज करना है। हैवी मॉइस्चराइज मतलब आप अपनी स्किन पर कोई भी ऐसी चीज़ लगाओगे कि आपकी जो ग्रीसी हो, आपकी स्किन की मतलब आपको लाइट वेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, आपको हैवी मॉइस्चराइज करना है। स्किन पर एक लेयर लगा लीजिए बस, पूरी तरह से स्किन कवर हो जानी चाहिए किसी भी मॉइस्चराइजर में, ठीक है। आपको उस वक्त भी लगानी है ये मॉइस्चराइजर, और इसका यूज़ आपको रात को ऐसे टाइम करें कि आपको धूप में ना जाना हो, दोपहर में ना करें इसको, शाम में यूज़ करें जिस वक्त धूप ना हो, ठीक है, यूज़ करें इसको। और 24 घंटे तक आप धूप में ना जाएं तो अच्छा है, बचें। अगर आप फिर भी जाते हैं तो सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट है। इसको यूज़ करने के बाद आप जब घर में भी अगर रहते हो तो सनस्क्रीन आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूज़ करती हूँ इसके बाद में ये वाला सनस्क्रीन, इसका रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैं क्यों यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ लोटस का। तो मुझे इसका क्या रिजल्ट मिला जब मैंने इसको यूज़ किया, गया होगा कि इसको आपको प्रॉपर तरीके से कैसे अप्लाई करना है। और अभी मैं इसका खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे क्या लगा जब मैंने इसको अप्लाई किया, अपने फेस पर लगाया। तो गाइज, मैंने जब इसको यूज़ किया तो मैंने शाम के टाइम किया था, मैंने करीब 6 बजे इसको यूज़ किया था, धूप बिल्कुल नहीं थी तो, और मैं पहले से तैयार थी, मुझे पता था ये यूज़ करने के बाद में एक तो हैवी मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को। और मैंने मॉइस्चराइज करने के लिए क्या यूज़ किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो फेस को मॉइस्चराइज, मैं नॉर्मली भी करती हूँ तो मैं ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ फेस को अपने मॉइस्चराइज करने के लिए, लेकिन मैंने अभी इसके साथ ये भी यूज़ किया क्योंकि हैवी मॉइस्चराइज करना था और मेरी स्किन ओवर ड्राई भी है सेंसिटिव होने के साथ साथ, तो कहीं और ज़्यादा ड्राइनेस ना बढ़ जाए इसकी वजह से मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया। थोड़ा सा मैं क्रीम लेती हूँ, थोड़ा सा ग्लिसरीन, कुछ 2 ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड करती हूँ और फेस पर लगा लेती हूँ। स्किन की पूरी ड्राइनेस जो पहले भी थी वो भी चली गई, और इससे तो बिल्कुल ड्राइनेस हुई ही नहीं है, ग्लिसरीन का कमाल है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसको ये मैंने उस दिन शाम में नहीं लगाया, ये मैंने नेक्स्ट डे सुबह जब फेस को वॉश किया और फेस को मॉइस्चराइज किया उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया। अब बात करती हूँ कि इसको लगाने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिला। तो मुझे जो मेरे पोर्स थे ओपन, जो कहीं कहीं विजिबल थे फेस पर, उनमें थोड़ा सा मुझे कमी लगी, हल्की सी मतलब थोड़ा बहुत मुझे वो कमी लगी। स्किन पर डेड स्किन बिल्कुल भी नहीं थी इसको यूज़ करने के बाद, स्किन पर एक शाइन थी, एक मतलब कुछ ग्लो था फेस पर, जैसे मैंने फेशियल कराया है ऐसा ग्लो मेरे फेस पर था यूज़ करके जब मैंने फेस को वॉश किया उसी वक्त। और नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट डे से मुझे मेरा फेस मोर वाइटन एंड मोर ब्राइट लगा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं इसको 100 out of 100 मार्क्स दूंगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, सिर्फ 10 मिनट वीक में आपको लगाना है और 10 मिनट में ही आपको फेशियल वाला ग्लो मिलने वाला है। लेकिन इसको आप कम से कम 1 महीना इस प्रोडक्ट को दीजिए, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप इसको वीक में 1 बार यूज़ करें। और इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं करना, वीक में 2 बार बिल्कुल भी नहीं करना, पीलिंग सोल्यूशन है, 1 बार ही काफ़ी है। तो आप वीक में 1 बार यूज़ करें और
आप जब इसको अगर फर्स्ट टाइम में रिजल्ट आपको कम मिला है तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब यूज करोगे ना तो स्किन आपकी बिल्कुल ग्लास स्किन आपको नजर आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो ये इसको सॉल्व करने में हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कम रिजल्ट दे, लेकिन जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम इसको यूज करोगे स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन लगेगी और प्रॉब्लम फ्री होती चली जाएगी। जो मार्क्स हैं वो फेड होने लगेंगे, रिंकल्स फेड होने लगेंगे, डेड स्किन तो होगी ही नहीं, तो स्किन हमेशा ही आपकी ब्राइटन सी एंड वाइटन सी नजर आएगी। तो आई होप मैंने सब कुछ इसके बारे में आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है जो मैं नहीं बता पाई हूँ या आपकी कोई क्वेरी है जो इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। और मैं मिलूंगी ऐसी यूजफुल सी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।